हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग जरूर देता है। मार्केट की ओपनिंग होती है 18,183 पर, फिर मार्केट नीचे की साइड जाता रहता है लेकिन बड़े ही स्लो मूव के साथ जाता है और पूरा का पूरा प्रीमियम ईटिंग दे ही रहा है। मार्केट का लो बनता है 18,078 का और हाई बनता है 18,201 का। अब एक बार कल की वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, मैंने कल के दिन बात करी थी कि जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं स्पेशली कॉल बाइंग में एंट्री नहीं बनाऊंगा, वही हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। अब मार्केट एग्जैक्ट वहीं से पलटती है और हमें अच्छी खासी नीचे की साइड की मूव भी देता है। मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,118 की। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन FIA और DII डाटा की बात करते हैं तो FIA ने आज 760 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर DII ने 1,140 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर हल्का सा ही बढ़ा है। इसी के साथ स्टॉक्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होने वाली है, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही हम डिस्कस करते हैं। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। तो आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी को सोल्व करवा सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कल के दिन है मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी में हमारा सबसे पहला रूल तो एक्सपायरी में यही होता है कि हम उस दिन की एक्सपायरी में काम नहीं करते हैं। अगर हमको काम करना है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करते हैं। तो ये थी हमारी कल के दिन का कि 18,170 के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन हम 18,200 के बाद कंफर्मेशन के बाद ही कोई काम करेंगे ऊपर की साइड की। अब अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो आज मार्केट सीधा नीचे की साइड आता रहा है, और अगर हम अब कल के दिन बात करते हैं तो मार्केट की तो ऊपर की साइड का जो रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला वो 18,200 का ही हमको मिलने वाला है, जो मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास रहने वाला है। अब जैसे इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की साइड सस्टेन करती है स्पेशली सेकेंड हाफ में, तो हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा अगर हम स्पेशली आज की एक्सपायरी में काम करना चाहे तो। और उसी के साथ साथ निचली साइड की अगर हम बात करते हैं तो 18,000 अभी भी हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाली है। 18,000 एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा जिसकी पूरी पूरी उम्मीद भी है कि मार्केट सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर बाय चांस 18,000 का लेवल टूटता है और नीचे की साइड सस्टेन होता है तो हमें नीचे की साइड की भी मूवमेंट मिल सकती है। तो हमें सेकंड हाफ में थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी साइड कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं तो वहां पर अगर हमें हीरो जीरो का मौका मिला तो हम चौका मार देंगे, और टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन किसी भी सिनेरियो में हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर हम ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं तो। और उसी के साथ सेकंड हाफ में पर्सनली हमें ऑप्शन सेलिंग में काम नहीं करना है, बिकॉज वहां पर अगर किसी साइड की मूवमेंट आई तो हमें वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।